हेलो एवरीवन, दिस इज रिदम फास्ट एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, जिस पल का था आपको इंतजार वो घड़ी आ गई है भाई। इस वीडियो का वेट आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। जब से मेरिट लिस्ट आई उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा, आई कांट एक्सप्लेन यू। मेरे पास भाई नोटिफिकेशन 1000 के ऊपर है इस टाइम, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह मिला के भाई बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन है। एंड ये वीडियो के लिए जो मैंने डेटा एनालिसिस किया है, ये पूरी इसमें मेहनत लगी है। पिछले साल का डेटा, पूरा ट्रेंड, इस साल का क्या ट्रेंड बन रहा है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे एनालिसिस करने के बाद कम से कम मैंने 2 घंटा दिया। आंख दर्द करने लगी भाई, झूठ नहीं बोलना, खाना भी अभी डिनर भी नहीं किया हूँ एंड आंख दर्द करने लगी। बट मैंने सोचा कि आज ही की आज आपको वीडियो दे देता हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरा 1 अगस्त से अभी टर्मिनल एग्जाम है, बस 2 दिन बाद से। तो स्टिल मैंने आपके लिए 2 घंटे निकाले कि आप लोग, क्योंकि आप लोग भी मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हो, ठीक है। तो आई जस्ट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, बाकी अपडेट्स वहाँ पे मिलेगी। इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो यार, मैं इतना मेहनत करके बना रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है यार, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें नॉन मॉनेटरी है, ऐसा नहीं कि मैं आपसे कोई काउंसलिंग का पैसा कमा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टिल आप सबके लिए कर रहा हूँ। तो आप लोग बस इतना कर दो, मैं आपसे पैसे ऐसे नहीं मांग रहा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा काउंसलिंग में। बस आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर कर दो, और जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचा दो, ठीक है, ताकि वो मेरे चैनल को फॉलो कर लें, ठीक है। चल फिर शुरुआत करते हैं अपने उस वीडियो की कि क्या रह सकती है फाइनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज। अपन पूरी 5 कैटेगरी की बात करेंगे, यूआर ओपन, ओबीसी ओपन, ईडब्ल्यूएस ओपन, एससी ओपन और एसटी ओपन। तो हम लोग ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं केजीएमसी से, केजीएमसी लखनऊ। अच्छा हाँ, ये देखो पहले एक चीज और बता दें, ये राउंड 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। राउंड 2 में कट ऑफ इससे नीचे भी जा सकती है, बट पिछले 2 साल का जो ट्रेंड देखा गया वो कट ऑफ ऊपर ही गई है, फिर मॉपअप में ऑफकोर्स नीचे गई है। तो इस बार क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या सारी चीजें रहेगी, वो बात की बात है। अभी राउंड 1 में क्या हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ, और मैं बहुत ज्यादा मार्जिन लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं आपको सेफ रैंक्स बता रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि बहुत ज्यादा रैंक बता दूँ ताकि आपको ये हो जाएगी यार मिली जाएगा बाद में नाम मिले, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाह रहा मैं। आपको एकदम एक नैरो मार्जिन लेके चल रहा हूँ बस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर केजीएमसी से। केजीएमसी में यूआर ओपन के लिए 105 स्टेट रैंक्स में बता रहा हूँ, उसमें कोई कैटेगरी रैंक नहीं, कोई ऑल इंडिया रैंक नहीं, स्टेट रैंक है, ठीक है, एग्जैक्टली स्टेट रैंक है बस। केजीएमसी के लिए यूआर ओपन के लिए 105, ओबीसी ओपन के लिए 228, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे सीट्स नहीं है, एससी के लिए ऑल इंडिया स्टेट रैंक 4300 एंड एसटी ओपन के लिए 6000 रैंक। अगर आरएमएल की बात करें तो यूआर ओपन के लिए ऑल इंडिया स्टेट रैंक 240, स्टेट रैंक समझ लेना मेरे मुंह में आ जाता है यार, ये जुबान पे नहीं होता है कि 2 वो AIR निकल जाता है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी यार, थोड़ा सा दिमाग भी अभी सरदर्द कर रहा है, बताया ना, आँख भी दर्द कर रही है, हो जा रहा है ऐसा, ठीक है, सॉरी यार। तो आरएमएल के लिए यूआर ओपन के लिए 240, बीसी ओपन के लिए 352, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 345, एससी ओपन के लिए 4480 और एसटी ओपन के लिए 8150। अगर जीएसवीएम की बात करें तो यूआर ओपन के लिए स्टेट रैंक 428, बीसी ओपन के लिए 570, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 631, एससी ओपन के लिए 4830 और एसटी ओपन के लिए 7850। अगर एमएलएन की बात किया जाए, एमएलएन प्रयागराज की बात किया जाए, तो यूआर ओपन के लिए 595, बीसी ओपन के लिए 715, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 755, एससी ओपन के लिए 5000 और एसटी ओपन के लिए 8350। अगर LLRM मेरिट की बात करें तो यूआर ओपन के लिए 715, 715, ठीक है, बीसी ओपन के लिए 815, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर सीट्स नहीं है, एससी ओपन के लिए 4900 और एसटी ओपन के लिए 8900, ठीक है। अगर यहाँ पे जिम्स कासना या नोएडा की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए यहाँ पे भी 715, बीसी ओपन के लिए 945, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 985, एससी ओपन के लिए 4950 और एसटी ओपन के लिए 8850। अगर एसएनएमसी आगरा की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 825, बीसी ओपन के लिए 1015, ईडब्ल्यूएस यहां पे सीट्स नहीं है, एससी ओपन के लिए 5000 और एसटी ओपन के लिए 9150। अगर बीआरडी गोरखपुर की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 850, बीसी ओपन के लिए 1040, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 940, एससी ओपन के लिए 5150 एंड एसटी ओपन के लिए 8550। अगर MLB झांसी की बात किया जाए तो UR ओपन के लिए 975, BC ओपन के लिए 1125, EWS ओपन के लिए 1100, SC ओपन के लिए 5300,
एसटी ओपन के लिए 9400, अगर सैफई की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 1115 मतलब 1115, बीसी ओपन के लिए 1315 ईडब्ल्यूएस की सीट्स, सॉरी बीसी ओपन के लिए 1250, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 1285, एससी ओपन के लिए 5350 और एसटी ओपन के लिए 9450। ठीक है, अगर कन्नौज की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 1200, बीसी ओपन के लिए 1315। यहाँ पे अभी मैं चार कॉलेजेस आपको एससीपी कॉलेजेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, चार कॉलेजेस के मतलब कट ऑफ जो बताऊंगा, कन्नौज, सहारनपुर, जालौन, अंबेडकर नगर, ये चारों कॉलेजेस में 70% सीट्स रिजर्व रहती है फॉर एससी एसटी, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं होती है। ठीक है, तो चलो वापस आते हैं कन्नौज के ऊपर। तो कन्नौज का यूआर ओपन के लिए 1200, बीसी ओपन के लिए 1315, ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं है, एससी ओपन के लिए 5650 और एसटी ओपन के लिए 10500। अगर सहारनपुर की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 1150, बीसी ओपन के लिए 1380, ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं है, एससी ओपन के लिए 5900 और एसटी ओपन के लिए 11100 मतलब 11100। अगर जालौन की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 1325, बीसी ओपन के लिए 1565, ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं है, एससी ओपन के लिए 6250 और एसटी ओपन के लिए 11300। अगर अंबेडकर नगर की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 1290, ओबीसी ओपन के लिए 1500, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं है, एससी ओपन के लिए 5950 और एसटी ओपन के लिए 11000। अब आते हैं, चार एससीपी कॉलेजेस खत्म हो गए, अब वापस से नॉर्मल कॉलेजेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो आजमगढ़ की बात करते हैं, तो भाई आजमगढ़ के लिए यूआर ओपन के लिए 1400, बीसी ओपन के लिए 1530, ईडब्ल्यूएस की सीट्स यहाँ पे भी नहीं है, एससी ओपन के लिए 5950, एसटी ओपन के लिए 10000। अगर बांदा की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 1615, बीसी ओपन के लिए 1815, ईडब्ल्यूएस की सीट्स यहाँ पे भी नहीं है, एससी ओपन के लिए 6180 और एसटी ओपन के लिए 11100। ठीक है, ओके, नाउ बदायूं, बदायूं की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 1515, बीसी ओपन के लिए 1740, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 1620, एससी ओपन के लिए 6000 और एसटी ओपन के लिए 10500। अगर अयोध्या की बात की जाए तो यूआर ओपन के लिए 1280, बीसी ओपन के लिए 1480, एससी ओपन, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 1380, एससी ओपन के लिए 5850 और एसटी ओपन के लिए 10650। अगर बस्ती की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 1750, बीसी ओपन के लिए 2000, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 1890, एससी ओपन के लिए 6200 और एसटी ओपन के लिए 10600। ठीक है, बहराइच की बात करें तो यूआर ओपन के लिए 1790, बीसी ओपन के लिए 2000, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 1900, एससी ओपन के लिए 6400 और एसटी ओपन के लिए 11200। अगर शाहजहांपुर की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 1680, बीसी ओपन के लिए 1900, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 1880 और एससी ओपन के लिए 6200 और एसटी ओपन के लिए 11500। अगर फिरोजाबाद की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 16000, बीसी ओपन के लिए 1600। ठीक है, यूआर ओपन के लिए 1600 फिरोजाबाद, बीसी ओपन के लिए 1800, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 1700, एसटी ओपन के लिए 6150 और एससी ओपन के लिए 6150 और एसटी ओपन के लिए 10500। तो देखो, यहाँ तक हम लोगों ने जो कवर कर लिया वो 22 कॉलेजेस कवर कर लिए हैं। अभी यार पसीना बहुत आ रहा है, पंखा बंद करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो सॉरी अगर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग आपको लग रहा हो, बट प्लीज़ ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी तो प्लीज़ शेयर कर देना यार, मतलब लिटरली बस तुम लोग के लिए कर रहा हूँ यार। ठीक है, चलो यार आता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, तो बाकी 9 कॉलेज भी जल्दी से खत्म करता हूँ। ठीक है, तो फिर आते हैं उसके बाद हरदोई की बात करते हैं, तो यू आर ओपन के लिए 2100, बीसी ओपन के लिए 2250, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 2250, एससी ओपन के लिए 6480, एसटी ओपन के लिए 1,12,500। अगर फतेहपुर की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 2150, बीसी ओपन के लिए 2350, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 2450, एससी ओपन के लिए 6650 और एसटी ओपन के लिए 12000। ठीक है, अगर एटा की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 2000, ओबीसी ओपन के लिए 2180, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 2225,
एसटी ओपन के लिए 6440, एसटी ओपन एससी ओपन के लिए 6440 एंड एसटी ओपन के लिए 12000। अगर सिद्धार्थ नगर की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 2080, ओबीसी ओपन के लिए 2280, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 2350, एससी ओपन के लिए 6550 एंड एसटी ओपन के लिए 12000। अगर देवरिया की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए आपका 2050, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 2220, ओबीसी ओपन के लिए 2250 और एससी ओपन के लिए 6680 और एसटी ओपन के लिए 12000। अगेन 12000 यहाँ पे कॉमन चल रहा है सबका, एक्चुअली जिसका डिस्टेंस घर के पास पड़ता है वो उस हिसाब से प्रेफर कर लेता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर का एक साथ बता दे रहा हूँ, उनका आसपास ही रहेगा कट ऑफ। तो यूआर ओपन के लिए इनका पकड़ लो आप 2300, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए आप पकड़ लो इसके लिए 2450 और ओबीसी ओपन के लिए भी 2450, बाकी एसटी ओपन के लिए 6550 और एसटी ओपन के लिए इनका आप मान लो 13000। हाँ ठीक है। उसके बाद गाजीपुर का बता दूँ, यूआर ओपन के लिए 2420, ओबीसी ओपन के लिए 2500, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 2600, एससी ओपन के लिए वही आप मान लो 6550 और एसटी ओपन के लिए 13000। तो देखो मैंने एक वीडियो भी आया था आज, देखो कई वीडियो मैंने डाले, एक तो वीडियो आया है चॉइस फिलिंग प्रायोरिटी ऑर्डर के ऊपर, वो वीडियो सब लोग देख लेना जो भी आप में से यूपी नीट की काउंसलिंग करा रहे हो, बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कौन सा कॉलेज चूज करना है कौन सा कॉलेज नहीं चूज करना है। ठीक है, दूसरी चीज, मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या लास्ट कट ऑफ हो सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूपी नीट की, तो उसमें मैं थोड़ा सा सुधार लाना चाहता हूं। तो मैंने आपको एसटी का जैसे बताया कि स्टूडेंट का 6550 एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और जो मैं सॉरी एससी ओपन का ये बता रहा हूँ 6550 और एसटी ओपन का 13000 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मैंने उसमें भी बताया था इसमें भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल ये ट्रेंड है। आपको अगर कहीं कुछ ना समझ आए तो वीडियो रोक के नोट कर लेना, जो जो कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं वो नोट कर लेना, और बाकी चॉइस फिलिंग वाला वीडियो जरूर से देख लेना, आज ही आया भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग प्रायोरिटी बना लो, जहां कुछ डाउट आए मेरे को मैसेज कर दो। चलो फिर चलता हूँ, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड भाई इस वीडियो को आग की मतलब आग की स्पीड से फैला दो भाई, मतलब तूफान की तरह फैला दो वीडियो, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, तुम लोग को करना है सारा काम। ठीक है, चलो फिर चलता हूँ, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।